Hey, what's up people? My name is Saurabh and in this video I am going to show you how to fix Google Chrome not responding in your Windows 10. आज आपको दिखाना जा रहा हूँ आपका जो Google Chrome है वो कभी कभार यूज़ करते करते आपका नॉट रिस्पॉन्डिंग शो होता है और काम करना बंद हो जाता है। उसी का ही प्रॉब्लम लेके आया हूँ मैं और दिखाऊंगा उसको कैसे सॉल्यूशन किया जा सके। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको जाना है विंडोज़ में एंड टाइप करना है दिस पीसी एंड दिस पीसी। ओपन होने के बाद जो ऑप्शन है देखिए लोकल डिस्क सी, उसी डिस्क सी में जाना है। उसके बाद जो ऑप्शन है देखिए प्रोग्राम फाइल 86, आपको 86 में जाना है। उसके बाद जो ऑप्शन है देखिए गूगल, देन देखिए क्रोम बोल के एक फोल्डर है, देन एप्लीकेशन, उधर एक शो होगा क्रोम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन है रीनेम, रीनेम पे आपको जाना है एंड आपको इधर लास्ट में लगाना है 1, देन इसको ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद एंटर करके सेव कर देना है। देन उसके बाद आपको ये क्या करना है, इधर का जो क्रोम है आपको इधर से डिलीट कर देना है एंड इसको करना है राइट क्लिक सेंड टू डेस्कटॉप। तो इधर मेरा आ गया है। उसके बाद मेरा जो टास्क बार में भी जो क्रोम है उसको भी मैं अनपिन कर देता हूँ, देन इधर से ऐड कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको एक बार यूज़ कर ओपन करके देख लेना है आपका क्रोम चल रहा है क्या नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए ये प्रोसेस होने के बाद आपको ना चले तो आपको क्या करना है, आपको इसको सिंपली इसको मिनिमाइज कर देना है, देन करना है आपको ओपन सीएमडी एंड सीएमडी। ओपन होने के बाद जो ऑप्शन है आपको जाना है सीएमडी एंड राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन है देखिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, देन आपको करना है यस एंड सीएमडी ओपन हो जाएगा। सीएमडी ओपन हो जाने के बाद आपको क्या टाइप करना है आपको दिखा दे रहा हूँ। जो पहला है आपको टाइप करना है स्मॉल में NETSH स्पेस INTIP स्पेस रीसेट स्पेस C:\ रीसेट लॉक .txt देन एंटर। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली टाइप करना है NETSH देन विन SOCK स्पेस रीसेट देन एंटर एंड आप देख पा रहे हो सक्सेसफुली रीसेट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लास्ट जो स्टेप है आपको टाइप करना है IP config space slash flushddns then enter। उसके बाद आपको करना है exit। मैंने जो कोड लिखा हूँ पूरा का पूरा कोड आपको मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। इस स्टेप होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक बार अपना कंप्यूटर को रजिस्टर देना है। रजिस्टर देने के बाद आपका जो गूगल क्रोम है आपको ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल तो रजिस्टर देने जा रहा हूँ, उसके बाद जो शो होगा आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो क्रोम है आपको सिंपली इसको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको सिंपली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो है google.com देन क्लिक ऑन एंटर एंड देखिए मेरा जो क्रोम है वो जो प्रॉब्लम आ रहा था नॉट रिस्पॉन्डिंग का प्रॉब्लम वो पूरा का पूरा फिक्स हो चुका है। तो आप ऐसे ही अपना कंप्यूटर का जो क्रोम है ऐसे फिक्स कर सकते हो। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना भूलिए। और इस वीडियो पर आपका कुछ भी यूज़फुल हो या हेल्पफुल हो तो कमेंट करना मत भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to subscribe.